हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के रेवोल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप लोग ओप्पो के डिवाइस यूज़ करते होगे, जिसमें आप लोग को जो है डिस्प्ले रेवोल्यूशन जो रहता है गाइस, यहाँ पे आप लोग को चेंज करने के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट बहुत से लोग जो है चेंज वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आज इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो में बताया जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस टाइप से आप लोग जो यहाँ पे डिस्प्ले रेवोल्यूशन चेंज कर पाएंगे अपने ओप्पो के किसी भी मॉडल का डिवाइस का। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए एंड समझिए। उससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे आ जाना है डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले रेवोल्यूशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग के फ़ोन में तीन ऑप्शन अवेलेबल है। हो सकता है आप लोग के फ़ोन में दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए। मेरा फ़ोन लेटेस्ट है तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में तीन ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोग के फ़ोन में HD+ होगा और Full HD+ होगा। तो जैसे अभी देख सकते हैं मेरा फ़ोन Full HD+ में है, तो आप लोग का फ़ोन 720p भी कर सकते हैं और 1080p भी कर सकते हैं। अगर आप लोग HD+ पे करते हैं तो आप लोग के फ़ोन की बैटरी इंक्रीज़ हो जाएगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और Full HD+ पे करेंगे तो उसे थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और Quad HD में करेंगे तो काफ़ी कम यहाँ पे आप लोग को बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोग अप्लाई करें और अपने फ़ोन को आप लोग का जो है स्क्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। एंड उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी एंड आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग डाउट क्लियर करने की। जय माता दी।